और उस परमेश्वर की ओर हम निहारे जो हमारे बीच में उपस्थित रहता है, जो हमारे साथ साथ रहता है और हमारे लिए आशीषों को खोलने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस वचन के लिए जो कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी दया अमर है, प्रति भोर वो हमारे जीवन में नहीं हो जाती है। आज अगर हम जीवित है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया, आपकी करुणा जो हमारे जीवन में पाई जाती है, इसीलिए हम जीवित हैं। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें चुन करके लेकर के आया कि हम आज के इस दिन में तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु, तेरे वचनों में से हम सीख सके और अपने जीवन में उन वचनों को लागू करने सके प्रभु, उस वचन के अनुसार चलने पाए और जैसा यीशु मसीह आपका स्वभाव है वैसा हम करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम में से एक एक जन को खींच करके लाया है ताकि आज के इस दिन में तो हमें आशीष दे प्रभु। भले आज के इस दिन में हम बहुत कम लोग आए लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम चुने हुए लोग हैं प्रभु जी, तूने उन भीड़ में से हमें चुन करके लेकर के आया ताकि आज के इस विशेष दिन में तो हमें उन नई आशीषों को दे जो आज तूने हम में से एक एक जन के लिए ठहराया है। स्वामी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। और इस समय इस पूरे जगह पर हम यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को लगाते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आने वाले हैं उन पर हम यीशु आपके लहू को लगाते हैं, वे सुरक्षित इस जगह में आने पाए। और जितने भी यहाँ पे कोई टीम में जो हमारे भाई बहन है उन्हें हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर इनके गीतों को गाने में बचाने में आप इनकी सहायता मदद कर स्वामी, ताकि जब ये इन गीतों को गाते हैं निश्चय उस स्वर्गीय अनुभव में हम सबों को लेकर के चले प्रभु जी, और हम सबों को तू एक मन और एक चित कर प्रभु, एक नए उत्साह से तू आज के इस दिन में तू हमें भर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। तालियों को